আসানসোলে পৌঁছালেন লোকসভা উপনির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা। আসানসোলের উসা গ্রামে পৌঁছালেন আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনের তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা। রবিবার রাতে উসা গ্রামের একটি বেসরকারি হোটেলে উঠেন তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা। এদিন শত্রুঘ্ন সিনহাকে স্বাগত জানান তৃণমূলের নেতা ও কর্মীরা। তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থকরা পুষ্পবর্ষণ করে তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি শত্রুঘ্ন সিনহার হাতে তৃণমূলের নেতৃত্বরা ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। এদিন তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সঙ্গে মন্ত্রী মলয় ঘটক, তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি, আসানসোলের মেয়র বিধান উপাধ্যায়, তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক ভি শিবদাসন সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। जहाँ भी जुल्म होगा, जो भी गलती होगी, उसके खिलाफ हम ना सिर्फ अपनी आवाज़ उठाएंगे बल्कि ममता जी के नेतृत्व में उस आवाज़ को हमेशा बुलंद करते रहेंगे, चाहे सामने कोई भी आ जाए। सर, जीतने के बाद पहली काम क्या होगा? अरे बहुत कुछ होगा, अभी तो शुरुआत है। इब्तदाई इश्क खैर होता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। सब भाई के हमारा बोलबो खामोश। आज पूरे आसनसोल की जनता और वेस्ट बंगाल के लोगों ने जो प्यार मान सम्मान दिया है, मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों का यह प्यार देखकर, आसनसोल का मैं ये सम्मान पाकर, आज मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बिक गया हूँ, लेकिन आसनसोल के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने प्यार से मुझे बिल्कुल खरीद लिया है यहाँ पे। और अब मैं हर क्षण हर पल मैं आसनसोल बंगाल के लोगों के लिए, उनकी समस्याओं को उजागर करने के लिए, यहाँ की कुछ त्रुटियाँ और खामियाँ उनको दूर करने के लिए, मैं ममता जी के नेतृत्व में विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, ये बनारस के हमारे जो सांसद हैं, जो आज माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके और उनकी टीम की जो कोशिशें होती रहीं, जो अभी आपने बंगाल में देखा या जिस तरह से आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा और बाकी स्टेट में जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार थी या सिंगल इंजन की सरकार थी, जैसे उन्होंने सेलेक्टिव मिसयूज करके, ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करके जो खेला किया, उस खेला का जवाब एक ही जगह दिया और जम के दिया, ममता जी ने दिया और हमारे तृणमूल कांग्रेस ने दिया बंगाल में। और उन्होंने खेला होबे का नारा देकर ऐसा खेला किया कि आज पूरे दुनिया में उसका चर्चा हो रहा है, उसका जिक्र हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि उसी तृणमूल कांग्रेस का मलय बाबू हैं कि हमारे अपने कल्याण बाबू हैं, इन लोगों के साथ उस टीम का हिस्सा बनकर, ममता जी का साथ लेकर और ममता जी को साथ देकर, मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और इसी के लिए आज मैं आया हूँ। कल हमारा नॉमिनेशन है, कल नॉमिनेशन होगा, उसके बाद मैं प्यार से और अच्छे से आप लोग से बात करूँगा और आपके जो भी सवालात होंगे उनका मैं जवाब दूंगा। आसनसोल से सौमित्र गांगुली, रिपोर्ट टाइम्स बांग्ला।